हेलो एवरीवन, निशाज वंडर वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो तुलसी विवाह पर आधारित है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तुलसी विवाह कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है, तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण विधि विधान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है देव उठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं और संसार के पालनकर्ता के दायित्व का भार उठाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस साल एकादशी तिथि तुलसी विवाह तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सही तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि विधान और पूजा की सामग्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी विवाह कब है और किस दिन पड़ रहा है। तो हर साल देवउठनी एकादशी तिथि पर ही तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है और इस बार 23 नवंबर के दिन गुरुवार देवउठनी एकादशी का व्रत रखने के साथ ही तुलसी विवाह का पूजन किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 22 नवंबर रात 11:03 से और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्त हो रही है 23 नवंबर रात 9 बजे। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है शाम 5:26 से रात 8:46 तक। चलिए जान लेते हैं कि तुलसी विवाह करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी चाहिए आपको, गेरू वस्त्र चाहिए, फल, फूल, चंदन, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, मिठाई आदि की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले गन्ने से मंडप सजाएं, गेरू से तुलसी जी के गमले को सजाएं, लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर आसन बिछाएं, कलश में पवित्र जल भरकर और आम के पत्ते लगाकर पूजा का स्थान पर स्थापित करें। एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी का जलाभिषेक करें। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। भगवान शालिग्राम को फूलों की माला अर्पित करें, फल अर्पित करें और पीले चंदन से तिलक लगाएं। उसके बाद धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। खीर या मिठाई का भोग लगाएं, क्षमा प्रार्थना करें। तो इस तरह से फ्रेंड, हम तुलसी विवाह को संपन्न करते हैं। लेकिन तुलसी विवाह के दिन हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरी भी है। चलिए जान लेते हैं वो बातें क्या हैं। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुंदरी जरूर चढ़ाना चाहिए। विवाह के समय गमले में शालिग्राम को साथ जरूर रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। फ्रेंड्स, ये तो रहा विवाह का विधि विधान। अब जानते हैं कि विवाह का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है तुलसी विवाह। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी में स्वास्थ्य वर्धक गुण पाए जाते हैं। धार्मिक रूप से इसका खास महत्व है। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था।
शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। देवउठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास के निद्रा के बाद जागते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह करके प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा तुलसी विवाह का विधि विधान, महत्व, दिन, तारीख। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। शुभ तुलसी विवाह।